मैं बहुत नरम हूँ, बहुत सॉफ्ट हूँ, बस हैंडल विद केयर, जैसे आपकी बाइक है बिल्कुल उसी की तरह हूँ और डिपेंडेबल हूँ। ये तो बहुत रगेड है। हाँ ना, तो रगेड है लेकिन डिपेंडेबल भी है कि नहीं? तो उसी तरह से मैं रिलायबल हूँ और जनता के बीच रहता हूँ, जनता की सेवा में तत्पर हूँ। बहुत अच्छी तरह से हम जीतने जा रहे हैं और आपको मेरी बहुत शुभकामना कि आपका बढ़िया सफ़र हो। तो हमारी जावा पिराग पहुंच चुकी है सहारनपुर और इस वक्त मैं मौजूद हूं राघव लखनपाल शर्मा जी के साथ। वेलकम टू हेडलाइंस इंडिया। थैंक यू वेरी मच। सो राघव जी, मैं शुरू करूं उससे पहले आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूं। तो बेसिकली हमारी जावा पिराग सिंगल सीटर बाइक है, इसको बॉबर बोलते हैं, बॉबर कैटेगरी में आती है ये। तो शो का नाम है हमारा बाइक कैमरा और इलेक्शन, और मकसद ये है कि हम इसको लेकर के उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ घूम रहे हैं, लोगों से उनकी राय समझ रहे हैं। और ये सिंगल सीट वाली बाइक इसलिए हमने चुनी क्योंकि अक्सर ना मीडिया पर ही आरोप लग जाता है कि भाई वो या तो सत्ता को सवारी कराते हैं या विपक्ष तैयारी होती है। तो हमने कहा भैया हमारी रहेगी सिंगल सीट, ना किसी से यारी, ना किसी को लिफ्ट देंगे, ना किसी से दोस्ती, सवाल पूछेंगे और सवाल का जवाब जानेंगे। तो पहले आप ये बताएं कि दिन की शुरुआत कैसी रही है? जी जी, बहुत बढ़िया, हर दिन रोज़ की तरह लोगों से मिलना और कार्यक्रम हमारे लगे हुए हैं। आज माननीय योगी आदित्यनाथ जी देवबंद। अच्छा, आई मस्ट से वन थिंग, जो मुझे पता लगा कि आपकी एज इज अराउंड लाइक 49। या दैट्स ट्रू, बट यू डजंट लुक। थैंक यू वेरी मच। सो मतलब अभी मेरी बात भी हो रही थी, तो यू आर वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम पॉलिटिशियंस। नहीं नहीं, आपकी बाइक ज़्यादा अच्छी लग रही है मुझसे। बाइक आप चाहे तो राइड भी कर सकते हैं। अच्छा, अब जो इलेक्शन होने जा रहा है, 14 में आपको जीत मिली, 19 में एक झटका लगा, अब 24 की तैयारी हो रही है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि राघव 3.0 जो है वो पूरी तरह तैयार? पूरी तरह। इस बार 3.0 का मतलब ये रहेगा कि हम 3 लाख से इस चुनाव को जीतेंगे। तो आप अपने आप को फिट रखने के लिए क्या करते हैं? कभी कभी थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लेते हैं जब टाइम लगता है। और डाइट वाइट का ध्यान रखते हैं? चुनाव में तो नहीं, जो मिलता है वो खा लेते हैं, लेकिन कोशिश करता हूँ थोड़ा हेल्दी खाने की। और लेकिन क्योंकि कोई फिक्स शेड्यूल्स नहीं होते हमारे खाने पीने के, तो जैसे जो कुछ मिल जाता है, जहाँ भी मिल जाता है हम खा लेते हैं। कोई इस बार सपा ने भी, मतलब सपा और कांग्रेस जो इंडिया गठबंधन है, वहाँ से इमरान मसूद हैं और बीएसपी से भी एक मुस्लिम कैंडिडेट है, तो ये दो मुस्लिम कैंडिडेट की जो आपसी फ़ाइट है, आपको लगता है कि ये आपके लिए एक एडवांटेज हो? मैं इस तरह से चुनाव को नहीं देखता हूँ। चुनाव इस बार माननीय मोदी जी के कार्यों को लेकर होगा। उन्होंने जिस तरह से एक विकास का मॉडल पेश किया है देश के सामने, वो मुद्दा रहेगा और उस पर लोग वोट करेंगे। अच्छा, पिछली बार जब आपको हार मिली तो डबल इंजन की सरकार तब भी थी, आज भी है, तो आपको क्या लगता है कि अभी मैं राजनाथ सिंह जी को भी सुन रहा था और आप भी अपनी एक स्पीच में भावुक हो गए थे, तो आपको क्या लगता है कि वो कहाँ कमी रह गई थी? अब वो आगे की सोचिए ना, पीछे कहाँ चल गए, अब हम आगे की सोच रहे हैं, आगे हम जीतने वाले हैं बहुत अच्छी तरह से। तो आपके अभी स्पीच सुन रहा था जिसमें आप थोड़े से इमोशनल भी थे, लेकिन अक्सर नेताओं को जो है बहुत माना जाता है कि कठोर होते हैं, और ख़ासकर मतलब पुरुषों के साथ ये बात। मैं बहुत नरम हूँ, बहुत सॉफ्ट हूँ, बस हैंडल विद केयर, जैसे आपकी बाइक है बिल्कुल उसी की तरह हूँ और डिपेंडेबल हूँ। ये तो बहुत रगेड है। हाँ ना, तो रगेड है लेकिन डिपेंडेबल भी है कि नहीं? तो उसी तरह से मैं रिलायबल हूँ और जनता के बीच रहता हूँ, जनता की सेवा में तत्पर हूँ। बहुत अच्छी तरह से हम जीतने जा रहे हैं और आपको मेरी बहुत शुभकामना कि आपका बढ़िया सफ़र हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन पहले तो एक छोटा सा प्रॉमिस कर दीजिए, मैं अपनी बाइक लेके वहीं पहुँच रहा हूँ, तो एक छोटे सी वार्तालाप हम वहाँ भी करेंगे समय निकाल के। उसका मैं वायदा नहीं करता क्योंकि वहाँ बहुत पब्लिक होगी, अगर ऐसी स्थिति बन पाई तो निश्चित रूप से। चलिए ठीक है, बस अब आप एक बार चाहें तो अपने लिए अपील कर दें चैनल पर, और एक बार बस ये बोल दें कि हेडलाइंस इंडिया को आप, जो हमारे ऑडियंस है 90 लाख ऑडियंस है हमारे पास, उसको आप लाइक करें और सब्सक्राइब। मैं ज़रूर करूँगा, और बहुत अच्छा आपका यूनिक कॉन्सेप्ट है, ऐसी आउट ऑफ द बॉक्स सोच जो है, इसी से देश आगे बढ़ेगा, और आउट ऑफ द बॉक्स सोच के कारण ही जो विकास की योजनाएं हैं, जो चीज़ें आज तक सोची नहीं गई थी, वो हमारी सरकारें कर रही हैं। तो मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामना है कि आप इसी तरह से घूम कर और अच्छा प्रचार करते रहें। अच्छा, आउट ऑफ द बॉक्स की आपने बात की, इसलिए मुझे एक चीज़ ध्यान आ गई, कल प्रधानमंत्री मोदी जी का एक वीडियो बाहर आया जिसमें वो गेमर्स के साथ जो है कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, ठीक है, वो देश भर के गेमर्स के साथ है। प्रधानमंत्री इस उम्र में गेमर्स का थॉट भी समझ रहे हैं और वही आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग वाली बात है। आप गेम वेम खेलते हैं? प्रधानमंत्री जी हर वर्ग, हर आयु के व्यक्ति के साथ कनेक्ट करना जानते हैं,
अद्भुत व्यक्तित्व के धनी हैं प्रधानमंत्री जी, और यही तो उनकी विशेषता है, इसीलिए तो वो इतने लोकप्रिय हैं। पॉलिटिक्स के अलावा आप कौन सा गेम पसंद करते हैं? मेरे पे समय नहीं है भाई। कौन सा सेवा? ओनली जनसेवा, नथिंग एल्स। थैंक यू सो मच।